हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं आपको बताऊंगी बिना बेल्ट की शलवार की कटिंग बताऊंगी मैं आपको। और इसके साथ जो है चार कुंदों की बनाऊंगी मैं इसको, तो चार कुंदों वाली शलवार हम बनाएंगे बिना बेल्ट वाली। तो इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले मैं आपको मेज़रमेंट बताती हूँ इसका, कि हम इसको कितना रखेंगे। तो ये मेरा 2.25 मीटर का कपड़ा है। तो इसको पहले सबसे पहले जो मुझे इसकी लेंथ लेनी है वो मैं ले लूँगी। तो इसकी लेंथ जो है, देखिए मुझे तैयार जो रखनी है अपनी लेंथ, वो रखनी है मुझे 38 इंच की तैयार रखनी है। तो मैं इसमें जो है 2.5 इंच एक्स्ट्रा ले रही हूँ। तो ये यहाँ से मैंने इतना ले लिया है इसको, और जो है इसको इस तरीके से जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको जो है मैं यहाँ से अलग कर लूँगी पहले। और ये डबल कपड़ा मेरा आ गया है शलवार के लिए। तो जो है ये मैं बनाऊँगी चार कुंदों वाली शलवार। तो इसके लिए जो है सबसे पहले तो मैं ये पाँचे जो है इसके अलग कर लूँगी, पाँचों का कपड़ा अलग कर लूँगी। फिर उसमें से जो ये हमारा इधर कपड़ा बचेगा, इसमें से हम कुंदे निकाल लेंगे अपने शलवार के। तो पाँचा जो है मुझे कितना रखना है, जितना आपको पाँचा चाहिए आप उतना रख लीजिए। मुझे जो है 7 इंच इसका तैयार चाहिए पाँचा, तो मैं इसका रख रही हूँ। ये मैंने 6 इंच ले लिया है इधर से, ये कन्नी का छोड़ के 6 इंच ले लिया है इसको इधर से। ये देखिए ये कन्नी मैंने छोड़ दी है और ये मेरा 6 इंच आ गया इधर से। तो सबसे पहले जो है मैं इसके पार्ट अलग कर लेती हूँ शलवार के, और उसके बाद हम इसके कुंदों की कटिंग करेंगे। शलवार के दोनों पार्ट आ गए और अब इसमें से कुंदों की कटिंग हो जाएगी। तो ये कुंदों की कटिंग करने के लिए, चार कुंदे बनाने के लिए, मैं इसको इस तरीके से फोल्ड कर लूँगी और दोनों साइड पर जो है मोरी की तरफ निशान लगा लेंगे। ये देखें इस तरीके से जो है, तो जितना जो है इधर से इस साइड से रखूँगी, जितना जो है हम इस साइड से रखेंगे उतना ही हम दूसरी साइड से रख लेंगे इसको इस तरीके से। यहाँ से भी उतना ही कर लेंगे, दोनों साइड से इसको बराबर का करके। इस तरीके से रख लूँगी। तो ये देखिए इस साइड से भी हमारा इतना ही है जितना मैंने, मान लीजिए 1.5 इंच या 2 इंच जितना भी लेना है आपको, उतना ही एक साइड इधर से रखेंगे और दूसरी साइड से भी उतना ही रखेंगे। तो दोनों साइड से फिर इसकी जो है बीच से यहाँ से कटिंग हो जाएगी। तो इस तरीके से इसकी कटिंग कर लेंगे। तो ये बिना बेल्ट की जो हमारी शलवार है वो इस तरीके से तैयार हो जाएगी। अब जो है इसको इस तरीके से रख लेंगे। और इधर से जो है हम अपनी कन्नी को इधर से निकाल देंगे, इस साइड पर जो कन्नी है इसको निकाल देंगे। और उसके बाद जो है यहाँ से हम इसको यहाँ से इसका आसन कट करेंगे, आसन की कटिंग करेंगे। तो यहाँ से जो है मैं इसको 16 इंच पे निशान लगा लूँगी इस तरीके से।
तो 2 इंच हमारा जो है नेफे में चला जाएगा और यहाँ से ये 14 इंच रह जाएगा। तो इस तरीके से इस पर निशान लगा लेंगे यहाँ से और इसको फिर कट कर दूंगी। तो ये कुंदे आ गए हमारे और ये आ गए शलवार के दोनों पार्ट आ गए। तो ये इस तरीके से जॉइंट हो जाएंगे और आप जो है इसमें से मैनी भी अपनी निकाल सकते हैं ऐसे। इसकी कटिंग जो है इस तरीके से ये हमारी मैनी आ गई। तो इसकी कटिंग तो हो गई शलवार की, आपने देख लिया है को बहुत ही आसान है इसकी कटिंग। तो इसमें शलवार में जो है मैंने सिर्फ नेफे के लिए एक्स्ट्रा 2 इंच रखा, 2.5 इंच रखा है और मोरियां जो है हम बनाएंगे वो इसमें जो है हम अलग से पट्टी लगाएंगे उसके लिए, तो इसलिए मैंने इसमें मोरी का जो है कोई एक्स्ट्रा नहीं रखा है कपड़ा। और आप चाहें तो उसमें मोरी जो है अलग, आपकी मर्ज़ी है, आप इसके साथ भी काट सकते हैं कपड़े को और अलग से भी लगा सकते हैं। तो जैसे आपको फिनिशिंग से लग सकती है वैसे लगा लें। और इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को अभी यहीं ख़त्म करती हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।